वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ सैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पित्त के दर्द के बारे में, मतलब हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर पेन के बारे में। यदि पित्त की बात करें तो ये जो होता है राइट हैंड साइड में लीवर के जस्ट नीचे जो होता है ये पोजीशन होता है और ये हरे रंग का होता है। इसका जो काम होता है पित्ताशय या गॉल ब्लैडर का जो काम होता है, ये जो क्या करता है, लीवर द्वारा बनाए गए बाइल जूस को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है, और खाना खाने के बाद जो होता है बाइल जूस निकलता है और ये खाना खाने में हजम करने में मदद करता है। स्पेशली जो फैट होता है, चिकनी चीजें होती हैं, उसके डाइजेशन में ज़्यादा हेल्प करता है। यदि गॉल ब्लेडर पेन की हम बात करें तो ये जो होता है राइट हैंड साइड में होता है, पसलियों के जस्ट नीचे और नाभि की ऊपर वाली साइड में, राइट हैंड साइड में होता है, और साथ साथ में इसी एरिया में पीछे की साइड में होता है, जैसा लीवर का दर्द होता है। बट इसमें असमानता ही होती है लीवर और इसके दर्द में, क्योंकि ये जो होता है दर्द वो शोल्डर में भी होता है, कंधे में भी, आपको ऊपरी हिस्से में, इसकी वजह से आपको दर्द महसूस होगा। तो ये उसको डिफरेंशिएट आउट करता है लीवर के दर्द से। यदि बात करें पित्त में दर्द के कारण क्या होते हैं, तो पहला जो सबसे पहला कारण होता है कि यदि आप ज्यादा तेल घी वाला खाना खाते हैं, ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं, आप बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं, उसके अलावा आपका वजन यदि ज़्यादा है या आपने बहुत तेज़ी से अपना वजन कम किया है, उसके अलावा यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो ये भी जो होता है डिपेंड करता है, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। उसके अलावा महिलाओं में ये जो होता है ज़्यादा पाया जाता है। यदि हम बात करें इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसके जो लक्षण होते हैं, पहला होता है कि आपको जी मतलाना होता है, उल्टी है, खट्टी डकारे, बहुत बड़ा इसका सिम्टम होता है खट्टी डकार। उसके अलावा आपका पेशाब का रंग बदल सकता है, आपका जो स्टूल का रंग भी है वो बदल सकता है, उसकी वजह से वो पीला सा हो सकता है। उसके अलावा आपके पेट में दर्द होगा, आपको खाना जल्दी हजम नहीं होगा, आपका पेट जो होगा भरा भरा महसूस होगा, साथ में आपको बार बार पेट खराब, मतलब कभी दस्त है, कभी कॉन्स्टिपेशन है, इसकी समस्या भी आपको बनी रहेगी। इसके लिए आप कौन सी जाँच करवा सकते हैं, तो बेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड करवाइए, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। उसके अलावा आप LFT टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन है, या फिर आपको CT स्कैन की भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और यदि गॉल ब्लैडर में कुछ अन्य समस्या है तो उसके लिए बायोप्सी वगैरह भी करवाने की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम बात करें, क्योंकि ये जो बीमारी होती है मुख्यतः खाने से संबंधित होती है, पानी से संबंधित होती है, तो यदि हम बात करें इसमें क्या खाना चाहिए, तो इसके लिए आप फल खाएं, जैसे खट्टे फल होते हैं नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी, उसके अलावा केला है, नाशपाती है, अनार वगैरह, इसका सेवन आप कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें दूसरे और क्या खा सकते हैं, तो आपके लिए रेशेदार जो फूड होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मसूर की दाल है, राजमा है, हरी मटर है, सफ़ेद मटर है, काला चना, सफ़ेद चना, तो ये रेशेदार जो खाद्य पदार्थ हैं वो फाइबर के लेवल को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा ऑयली जो ऑयल का लेवल जो होता है वो कम होता है। उसके अलावा सब्जियां वगैरह भी आप खा सकते हैं, सब्जियों में गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां हैं, टमाटर है, चुकंदर है, शलजम वगैरह, इनका आप सेवन कर सकते हैं। अदरक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके शरीर की सूजन को ही कम करती है। अब यदि हम बात करें क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके लिए जैसे हमने बात करी कि आपको ज़्यादा फैटी फूड्स जो होते हैं, ऑयली फूड, उनको नहीं खाना चाहिए, जैसे मक्खन है, घी, पनीर है, ज़्यादा चटपटा है, ज़्यादा मीठा खाना है, केक है, रेड मीट है, आपको ये अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा जो पेस्ट्रीज होती है, आइसक्रीम होती है, पूर्ण वसा वाला दूध या दही होता है, क्योंकि इसमें भी फैट का लेवल ज़्यादा होता है, वो ना खाएं। कोल्ड ड्रिंक्स या जो स्टोर्ड चीज़ें होती हैं, पहले से स्टोर्ड चीज़ें, उनका कम से कम सेवन करें, फ्रेश चीज़ें लें। साथ साथ में चाय और कॉफ़ी का लेवल भी कम रखें, क्योंकि आपके शरीर में एसिड के लेवल को भी बढ़ा सकती है। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।